रामघाट स्थित मौलाना मोस की दरगाह पर हो रहे निर्माण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद भी हो रहा है। यह कहना उज्जैन के हिंदू संगठनों का है। संगठनों के मुताबिक उज्जैन के ऐतिहासिक रामघाट के पास बनी मजार पर मुसलमान मस्जिद के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा गुम्बद तैयार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य की तैयारी चल रही थी, समझाइश के बाद काम बंद कर दिया गया है। दरअसल उज्जैन की शिप्रा नदी के रामघाट के किनारे पर हजरत मौलाना मुगिसुद्दीन मोस चिश्ती रहमत उल्लाह अलैह नामक एक दरगाह है जो कि अति प्राचीन है। दरगाह पर निर्माण को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद हिंदुवादी संगठनों ने विरोध जताया, तो वहीं नगर निगम प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर तत्काल निर्माण को रोकने को कहा। मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहां एक ओर हिंदुवादी संगठनों ने टावर चौक पर पुतला दहन किया, तो वहीं शिप्रा नदी के रामघाट के पंडित पुजारियों का भी विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हिंदुवादी संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। कलेक्टर का कहना है कि निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। मजार की गुम्बद पूर्व में निर्माण की गई है, वर्तमान में कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। वहीं दरगाह के प्रबंधक के मुताबिक दरगाह का ऐतिहासिक तकरीबन 700 साल पुराना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य की यह मजार है जिसके चलते दरगाह बना है। जिस गुम्बद की बात हो रही है वह 10 से 12 साल पहले बना है। यह दरगाह है, यहाँ कब्रिस्तान भी है, ऐसे में मस्जिद यहाँ नहीं बन सकती। 1996 के सरकारी दस्तावेजों के ब्लूप्रिंट में भी यह दरगाह पर गुम्बद बना हुआ था। उसकी साफ सफाई के लिए हमने तैयारी की थी, लेकिन विवाद के बाद अब हमने काम बंद कर दिया है। सर बताएं कि यह जो मज़ार थी यहाँ पर किस प्रकार का निर्माण हो रहा है और आप लोगों का क्या विरोध है? ये एक छोटी सी मौलाना मोच की दरगाह, जो कि हम मौलाना मोच की दरगाह भी ना कहें, मल्लिका अर्जुन घाट मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ दरगाह का रूप उसने ले लिया और अब धीरे धीरे उस दरगाह को मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। पंडित जी, यहाँ पे एक कौन सी मज़ार थी जिसे गुंबद बनाया जा रहा है, क्या विरोध है आप लोगों? यहाँ पर मौलाना मोच चिश्ती की दरगाह थी, यहाँ पर दरगाह थी छोटी से, उसे बड़ा रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि शिखर बना करके यहाँ पर मौलाना मोच का शिखर और मस्जिद गुंबद बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 100 वर्ष 50 वर्ष पहले छोटी सी मज़ार थी और यहाँ पर कब्रिस्तान था, जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जिसके यहाँ पे भी डेट हो जाती थी उसको यहाँ पर दफनाते थे। बताएं, यहाँ पर एक विवाद देखने को आया था कि निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है, क्या है पूरा विषय और आपका क्या इसमें स्पष्टीकरण? मेरे नज़दीक तो कोई विवाद नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि विवाद है, तो मुझे तो ना तो जो है प्रशासन की तरफ से कोई सूचना है, ना निगम की तरफ से कोई सूचना है। भाई मैं भी देख रहा हूँ वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन पे जो है ये अपनी अपनी तरह से लोग कर रहे हैं, तो प्रशासन को इसको रोकना चाहिए और ये ठीक बात नहीं है। ये जो है आस्थाना 700 वर्ष पुराना, हमने अभी 669वां उर्स मनाया, उर्स में भी बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों ने आकर जो है, तो हमने तो उनकी भी बात मानी और हमने अपनी कव्वाली को ऊपर किया। देखिए, एक रामघाट पर एक गुंबद जो बना हुआ है उसकी पुताई का कार्य हो रहा था, उसके संबंध में ये शिकायत आई थी कि नया निर्माण है। जब हम लोगों ने दस्तावेज निकाले तो प्रथम दृष्टया जो फोटो वीडियोज हमको मिले हैं उसके हिसाब से ये दिख रहा है कि गुंबद जो है वो कम से कम 3-4 साल पुराना है, लेकिन उसमें पुताई का कार्य जारी था जिसको तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया है। और जो पुराना ये निर्माण है 3-4 साल पुराना, इसके संदर्भ में कागज़ और परमिशंस वगैरह मांगी गई हैं, जब वो सब प्राप्त होंगे तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी।